गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आए हैं एक नई रेसिपी के साथ और आज का हमारे रेसिपी का नाम है देसी स्टाइल मटन। तो इसके लिए मैंने 750 ग्राम्स मटन को लिया है और इसको बहुत अच्छी तरह से धो दिया है। पहला प्रोसेस हमारा मैरिनेशन का रहेगा और मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैंने लिया है कर्ड, ये मैंने लिया है 150 to 200 ग्राम्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन दो कटे हुए मतलब हाफ 1/2, और इसमें मैंने बहुत सारे मसाले ले लिए हैं। थोड़े थोड़े मसाले की मात्रा रहेगी अभी इसमें और अभी इसको सिर्फ मैरिनेशन प्रोसेस में करना है। तो मैं आपको मसाला एक बार दिखा देता हूँ। यह है सॉल्ट, ठीक है, यह है धनिया का पाउडर, यह है हल्दी का पाउडर, मिर्च का पाउडर, और यह है चिकन मसाला, और यह है गरम मसाला। अब हम इसको मैरिनेशन का प्रोसेस 1/1 करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कर्ड को हाफ में लाएंगे। इसमें थोड़े कर्ड को बचा करके रखता हूँ, बाद में फिर से डाला जाएगा। धीरे 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 मसाले को इसमें मिलाते हैं, सारे मसाले को। मसाले मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे मिक्स कर लीजिए और फिर जो आपका लेमन है स्क्वीज कर लीजिए इसमें। अब हम ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है ये मैंने लिया है, इसको अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगा और जो बची हुई कर्ड है वो फिर से वो सारे को मिक्स करके फिर इसको अप एंड डाउन मैं इसको अच्छी तरह से मिलाऊंगा। अब मैंने इसको अच्छी तरह से देखिए मिला लिया सब कुछ, कर्ड है, मसाले हैं, नमक है, जो भी है। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए 30 to 45 मिनट्स के लिए इसको हम फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि मीट मटन जो होता है ना वो थोड़ा हार्ड होता है, तो जितना ज़्यादा घुलेगा उसके अंदर मतलब नींबू अदरक जो भी है सारे पेस्ट यदि उसके अंदर जाएंगे तो वो अच्छी तरह से और अच्छा पकेगा और हमें अच्छी दिखेंगे उसके कलर्स। अब मैं इसको फ्रिज में 30 to 45 मिनट्स के लिए जैसा मैंने बोला अब इसको मैं रख देता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है ऑनियन, ये मैंने जितना मटन लिया है उतना ही ऑनियन लिया है, ये हमारा लहसुन है, हरी मिर्च, और ये हमारे सारे खड़े मसाले, लाल मिर्च, बेलिप्स, दालचीनी, लौंग, इलायची और ये जीरा। अब मैं क्या करूँगा, इसके 50% पोर्शन को मैं विसल लगाऊंगा और 50% को मैं अलग से रख दूंगा। उसको क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको फ्राई करूँगा, हल्का सा भून देंगे, हल्की हल्की भूनेंगे। भूनने के बाद इसको जो है जो हमारा 50% ऑनियन बचा रहेगा उसके साथ मिला करके इसको एक मिक्सी में अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं इसको किस तरह भूनेंगे। अब हम धीरे धीरे सारे मसाले को इसमें डालेंगे, ये देखिए मैं डाल रहा हूँ। डालने के बाद इसको जो है हल्की आँच में भूनेंगे इस तरह से। हम इसी तरह से लगातार भूनते रहेंगे, ये देखिए जब ये भुना हुआ हो जाएगा फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए अब इसका एरोमा आ रहा है और ये हल्की हल्की हो रही है लाल। अब हम इसको ऑफ कर देंगे। मैंने मसाले को भून लिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 50% जो है ऑनियन को इसके साथ मिक्स करना है और ये है लहसुन और ये है मिर्च, ये सारी चीज़ों को एक साथ करके हमें ग्राइंड करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको मैं हमें ग्राइंड करना है, तो सारे खड़े मसाले, ऑनियन, मैं प्याज, ये टमाटर जो है वो बोलना भूल गया था, दो बड़े बड़े टमाटर भी इसमें डाल करके अब मैं इसको इसका पेस्ट बना लूँगा। मैं बताऊँगा इसका पेस्ट बनाने के बाद ये दिखता कैसा है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है, अब मैंने कुकर को चढ़ा दिया गैस पे, अब हम इसमें देसी स्टाइल में मटन बनाएंगे क्योंकि इसके लिए मस्टर्ड ऑयल की ज़रूरत होती है। ये देखिए मैंने मस्टर्ड ऑयल इसमें डाल लिया है और इसके बाद मैं धीरे 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 जब मस्टर्ड ऑयल हल्की गर्म हो जाएगी जीरा डाल लूँगा। जीरे डालने के बाद मैं इसमें ऑनियन डालूँगा, ठीक है। ऑनियन डालने के बाद हल्के हल्के सारे मसाले जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, सारे मसाले जो भी हमारे, वो सारे मसाले को धीरे धीरे मैं इसमें डालूँगा। अब जब जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे मसाले को मैंने इसमें डाल लिया, अब धीरे धीरे करके मैं इसको हल्की मीडियम आंच में मैं इसको हल्के हल्के पकाऊंगा।
अब ये देखिए मसाला हमारा हल्का 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 देखिए हल्का सा भुन हल्का सा लाल कलर में आ गया है। जो मैंने मैरिनेट के लिए मटन डाला था उसको मैं अब ये निकाल चुका हूँ और धीरे धीरे सारे मटन्स को मैं इसमें डालूँगा। मटन डालने के बाद जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ इसको हल्के 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 मीडियम आँच में इसको चलाते रहना है ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट्स तक। ठीक है, मटन जब मैंने डाल दिया है उसके बाद जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है मैं धीरे 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 इसको पूरे मसाले को इसमें डालूंगा और इसको अच्छी तरह से मिलाऊंगा। ये 15 मिनट्स के बाद मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इसका कलर आता जा रहा है। तो इसको चलाते रहना चलाते रहना चलाते रहना। और मटन की बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि आपको 10-15 इसको थोड़ा पकने में टाइम लगता है तो आपको हर 10-15 मिनट में इसको जो है कुकर के ढक्कन से आपको या जिसमें भी बना रहे हैं पॉट से इसको ढक के रखना है और हर 10-15 मिनट में आपको चेक करते रहना है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है इसके ऊपर ना। अब देखिए इसके बाद हम हल्की सी जो हम मैंने अभी तक नमक नहीं डाला था अब मैं हल्की नमक डालूंगा। अब देखिए जैसे जो हमारा नमक बचा हुआ था एकदम मिड जब अब ये मटन के मिड में है अब इसमें हल्की सी स्वाद के अनुसार आपको जैसा नमक खाना है वैसा डालिए। बस इसको डाल करके फिर से चला करके इसको रख दीजिए ढक के। लगभग 15-20 मिनट के बाद फिर से मैं इसको कुकर के ढक्कन को हटाऊंगा और देखूंगा इसका टेक्सचर कैसा आ रहा है। देखिए कितना खूबसूरत टेक्सचर आ रहा है। अब हमारा ये लास्ट प्रोसीजर है। अब मैं इसमें अपने हिसाब से जैसी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से मैं इसमें पानी डालूंगा और पानी डालने के बाद इसको मैं 3 से 4 वेसल लगाऊंगा। अब मैं इसमें पानी डालूंगा। मैंने अपने हिसाब से पानी डाल दिया है। अब इसको मैं जो तेज पत्ता होता है अपना बेलिप उसको डाल करके मैं इसको विसल लगाऊंगा 3 से 4। ठीक है, जो हमारा तेज पत्ता होता है इसको मैं डाल दूंगा जस्ट फॉर खुशबू के लिए। और ये तेज पत्ते डालने से आपको पता है कि एक एक अलग ही टेक्सचर आ जाता है। तो अब ये देखिए ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह से कुकर को लगा देंगे और 4 विसल कम से कम लगाना है मुझे। अब हम जो है विसल हमारा हो गया है। अब ये कुकर को मैंने कुकर के ढक्कन को निकाल लिया है। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट लास्ट प्रोसीजर है इसके ऊपर घी का छोका लगाएंगे। एक बड़ी चम्मच से मैंने घी इसमें ले लिया है। अब ये घी तब तक मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद मैं इसमें ये जो एक चम्मच जीरा है इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से पकाऊंगा। घी हमारा मेल्ट हो गया, ये देखिए पूरी तरह से। अब इसमें जो एक चम्मच जो है जीरा मैं इसमें डाल दूंगा। ये देखिए जीरा अच्छी तरह से पक रहा है। जो मैंने घी और जीरे को अच्छी तरह से पकाया था अब मैं इसको अच्छी तरह से डालूंगा। ये देखिए मटन में अच्छी तरह से अब मैं मिक्स कर चुका हूँ जो है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए कुकर को ढक के छोड़ दूँगा। अब ये हमारा मटन रेडी हो गया है। ये देखिए मैंने मटन को बॉल में कर लिया है। अब मैं आपको सर्व करके बताऊँगा कि ये कितना डिलीशियस लग रहा है। ये देखिए टेक्सचर इसका, ये देखिए प्रेजेंटेशन। ये हमने यहाँ पे जीरा राइस सलाद और ये सुंदर सा देसी मटन, एकदम देसी मटन। देखिए हमारी ग्रेवी कितनी थिक है। तो आइए आनंद लीजिए इस प्यारे से डिश का और हमें कमेंट सेशन में बताइए कि हमारा डिश कैसा लगा आपको। आप भी इसी तरह से बनाइए और यदि आपको अच्छा लगा यह वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।